दोस्तों सबसे पहला पैरामीटर जो है वो है बॉडी फैट दोस्तों बॉडी फैट के बारे में जब डिस्कस करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी फैट अपने शरीर में सही मात्रा में होना चाहिए पर जब सही मात्रा में नहीं होता है ज्यादा होता है तो अपने शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जैसे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है एल डी लेवल बढ़ सकता है एच लेवल घट सकता है तो पूरा शरीर का फैट इम्बैलेंस हो जाते हैं So, दोस्तों बॉडी फैट को मेंटेन करने के लिए अपने क्या क्या प्रोडक्ट है जो हायर बॉडी फैट पेशेंट आपके पास आ रहा है so, दोस्तों सबसे पहले आपने पास जो प्रोडक्ट है वो है ट्रिपल स्टेम सेल दोस्तों फैट को मेंटेन करने के लिए मेटाबॉलिक रेट को सही करने के लिए ट्रिपल स्टेम आप जोड़ सकते हो कोलेस्ट्रॉल केयर ओमेगा थ्री फ्लेक्स ऑयल और अपने जो खाने में जो तेल इस्तेमाल करते हो जो ऑयल इस्तेमाल करते हो उसमें आप राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल कर सकता है ये आपका बॉडी फैट को नॉर्मल रखने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे दोस्तों अभी जो पैरामीटर के बारे में मैं डिस्कस करूँगा वो मसल मास है दोस्तों मसल मास जिनका ज्यादा है उनका तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग जिम करते हैं एक्सरसाइज करते हैं स्पोर्ट्समैन होता है उनके मसल मास थोड़ा सा ज्यादा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों जिनका नॉर्मल होता है उसको मसल मास को नॉर्मल रखना सही है और जिनका कम होता है उसको मसल मास को बढ़ाना बहुत जरूरी होता है दोस्तों मसल मास बढ़ाने के लिए केवा का क्या क्या प्रोडक्ट बहुत इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों सबसे पहले मैं बोलूँगा कि प्रोटीन रेंज जो है केवा के पास जैसे प्रोटीन पाउडर है सोआ प्रोटीन है वे प्रोटीन है किड्स ग्रोथ है ये जो प्रोडक्ट होता है ये छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक मसल मास के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं तो ये जितने सारे प्रोडक्ट है ये मसल मास जिसका कम है उनको आप रेगुलर दे सकते हो जो मसल मास को बढ़ाना चाहते हैं उसको भी आप इस्तेमाल करवा सकते हो अभी मैं जिस पैरामीटर के बारे में बात करूंगा वो पैरामीटर है बोन मास हड्डी को कैसे मजबूत रखना है सो so, दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आपके हड्डी जो संपूर्ण रूप में आपका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो कमजोर हो जाता है महिलाओं के लिए प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है पुरुषों के लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम आता है और हड्डी कमजोर हो जाने से आपका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वीक हो जाता है इसमें आपको जो प्रोडक्ट केवा के इस्तेमाल करना चाहिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि सोलर एनर्जी ड्रॉप जो विटामिन डी ड्रॉप है वो ज्यादातर आपका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है तो इस प्रोडक्ट को सबसे पहले रखिएगा उसके बाद अपने पास आए वीकली विटामिन डी टैबलेट हर हफ्ता में एक विटामिन डी टैबलेट आप लेने से आपके शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब्शन ज़्यादा होता है कैल्शियम एब्जॉर्ब्शन को सही तरीके से करने के लिए अच्छे कैल्शियम देना जरूरत होता है तो केवा के पास जो कैल्शियम का प्रिपरेशन है उसमें सबसे पहला प्रिपरेशन जो मैं रखता हूँ वो है बोन हेल्थ क्योंकि इसमें कैल्शियम साइट्रेट मैलेट और विटामिन डी है जो बहुत अच्छे तरीके से आपके शरीर में कैल्शियम देते हैं नॉर्मल कैल्शियम कार्बोनेट से ये करीब फोर्टी ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है उसके पास है अपने पास कैल्शियम प्लस और देन अपने पास जो प्रोडक्ट है वो प्लेन कैल्शियम टैबलेट है जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी इस्तेमाल कर सकता है डिफरेंट प्राइस है प्रोडक्ट का बट बहुत ही अच्छे तरीके से कैल्शियम का, का काम करता है सो दोस्तों ये बोन हेल्थ को सही रखने के लिए कैल्शियम वाइटामिन डी कंबिनेशन चाहिए याद रखिए महिला जिनका 40 के ऊपर उम्र है उनको कैल्शियम जल्दी से एब्जॉर्ब्शन नहीं होता है तो उनके लिए आपको फाइटोइ्ट्रोजन ऐड करना पड़ता है उसमें फेमिनाइन ड्रॉप जैसा प्रोडक्ट सोआ प्रोटीन जैसा प्रोडक्ट कैल्शियम के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है अभी जो पैरामीटर के बारे में बात करेंगे उसके पहले मैं दो शब्द बताना चाहता हूं कि आज के दिन में इंसान जो है वो बहुत ही अपने वेट कॉन्स है ज़्यादातर लोगों को पता है कि ओवरवेट ओवीज होने का कारण मीन्स मोटापा होने का कारण बहुत सारे बीमारी आपके शरीर में आ सकता है जैसे हार्ट का बीमारी हो सकता है जैसे शुगर का बीमारी मीन्स डायबिटीज़ हो सकता है जैसे बहुत कुछ तरह का कैंसर भी हो सकता है आपका ओवरवेट होने का कारण दोस्तों अभी जो पैरामीटर है वो पैरामीटर का नाम है बी बॉडी मास इंडेक्स ये आपके शरीर का कैलकुलेट करके बता देता है कि आप ओवरवेट हो कि ओबीस हो कि आप नॉर्मल हो कि आपका वेट जो है वो कम है सो so, इसके हिसाब से केवा के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपको मदद करेगा ऐसे जो लोग आपके पास आएंगे उनका वेट को सही रखने के लिए सो so, दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो लोग अंडर वेट है जिसका वजन कम है उसके लिए आप जो प्रोडक्ट दे सकते हो सबसे प्रोटीन पाउडर जो है स्वा प्रोटीन है वे प्रोटीन है जो मसल मास को बिल्डअप करने में हेल्प करता है फैट को घटाते हैं वो आपको अंडरवेट वाला जो इंसान आपके पास आएंगे उनके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे दोस्तों जिनका नॉर्मल है वो तो सही है बट जिनका ओवरवेट है जिनका ओबेसिटी है मोटापा है उनके लिए अपने पास बहुत सारे प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट को सबसे पहले पहले रेट करता हूँ वो है ग्रीन टी ग्रीन टी लेने से ओवरवेट और ऑन ओबेसिटी कम होता है नोनी जैसा जो प्रोडक्ट है वो भी ओबिसिटी घटाने में हेल्प करते हैं इसके बाद स्लिम फिट कैप्सूल uh, उसके बाद स्लिमिंग जूस ये जितने सारे प्रोडक्ट केवा के पास है ये प्रोडक्ट आपको ओबेसिटी कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा सो so, दोस्तों तैयार हो जाइए कोई ओबेज ओवरवेट आपके पास आए वेट को कंट्रोल करना चाहे तो उनके लिए केवा का बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है केवा बॉडी एनालिसिस स्केल का इंडिकेशन दोस्तों केवा बॉडी एनालिसिस स्केल ये मेजर करता है आपका बीएमआई और बॉडी वेट और दोस्तों बायो इलेक्ट्रिकल इंपिडेंस एनालिसिस टेक्नोलॉजी आपका बॉडी फैट बॉडी वाटर मसल मास, बॉडी बायो एज को कैलकुलेट करते हैं दोस्तों ये यूज कर सकता है दस साल से लेके सत्रह साल का जो बच्चे हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और सत्रह साल के ऊपर एडल्ट जितने हैं उनके लिए स्केल बहुत सही तरीका से मेजरमेंट देते हैं कॉन्ट्राइंडेशन कहा इसको यूज नहीं करना चाहिए दोस्तों बॉडी एनालिसिस स्केल को प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिनके शरीर में पेस मेकर और कोई इम्प्लांट्स बिठाया हुआ है वो ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर नहीं सकते गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत करता हूं इस वेबिनार में और जैसे कि आप सभी ने जानते हैं कि आज हम लोग जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है वह बी एम आई मशीन का ऊपर आज हम लोग सीखेंगे और कैसे उसको वेट किया जाता है विथ डेमो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप जितना जल्दी आप सीख पाएंगे उतना जल्दी आपका बिजनेस को आप ग्रो कर पाएंगे तो उसी को सिखाने के लिए उसी का ट्रेनिंग देने के लिए हम अभी बुलाना चाहेंगे आप लोगों का हेल्प से क्योंकि टाइम को देखते हुए टाइम आगे बढ़ रहा है क्योंकि घड़ी का कंटा चाहिए कभी रुकता नहीं है ना तो इस कारण से हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग क्या रेडी हैं तो इस ट्रेनिंग इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आप लोग सब क्या रेडी हैं अगर रेडी हैं तो चार्ट बॉक्स अपन है बॉक्स में आप लोग यस बोल के लिख सकते हैं और मुझे थोड़ा हेल्प कीजिए आप लोग और ताकि हम जो है हमारा जो सीनियर सर है मिस्टर मंटू शई के सर को बुला पाए तो आप सभी का स्वागत से मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर मंटू शई के सर प्लीज वेलकम सर और मीटिंग को जो है स्टार्ट कीजिए सर सर प्लीज वेलकम थैंक यू मनोज जी थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू ऑल लीडर्स सबको वेलकम जबरदस्त तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग अगर इजाजत देते हैं तो हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं अगर आप लोग बोलते हैं कि दो एक मिनट रुकना है हम लोगों का टीम से और भी आदमी आने वाला है तो आप लोग बता सकते हैं तो मीटिंग को स्टार्ट कीजिए क्योंकि ऑलरेडी नाइन टेन तो बज चुका है को को टाइम कम कम से तो इस है। तो कर क्योंकि जो सीरियस इस नहीं है। जो सीरियस है है। तो नहीं इस को सीरियस है है बिजनेस लेकर के वही आया और कौन सीरियस ठीक है मनोरंजन थैंक यू गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स ऑफ यू गुड मॉर्निंग आदाब नमस्कार आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली हो जाए इस प्रोग्राम में आप लोग आए ज्वाइन किए और जबरदस्त लग रहा है और हम लोग जबरदस्त भी करने वाले हैं और हम लोग सब लोग जो है दमदार लीडर है तो माय डियर फ्रेंड्स सीधे हम लोग चले जाते हैं आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है ज्यादा बात नहीं करेंगे उसी पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम है मैं बीएमआई के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूँ मेरा सौभाग्य है जो आप लोगों ने मौका दिया थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक वीडियो चलाया गया था जो आपका हमारे जो एक्स ट्रेनर था आ, मिस्टर पूर्वांशु चटर्जी सर ने कुछ हमें टिप्स दिया तो पूर्वांशु चटर्जी सर बहुत अच्छे ट्रेनर थे हमारे और बहुत नॉलेज रखते थे और ये बी एम आई ट्रेनिंग भी हम लोग पहले चटर्जी सर से ही हम लोग लिए थे तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बी एम आई मशीन के ऊपर आज और भी चर्चा करेंगे तो बी एम आई का फुल फॉर्म हम लोग को सब लोग को मालूम है कि इसका जो इंडेक्स तो इसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं हाइट और वेट के तौर पे हम लोग इसको करते मतलब एक आदमी का हाइट और वेट ही वहां पे डालना पड़ता है और उसके साथो साथ जो है वो मेल फीमेल क्या है वो सिलेक्ट करना पड़ता है तो ये डेटा हम लोग वहां पे डालने के बाद हम एक आदमी का जो है हम बी एम आई वहां से बी का रिपोर्ट हम लोग निकाल सकते हैं और जो हाइट और वेट हम लोग वहाँ पे डालते हैं उस वेट रेंज uh, में वो हेल्दी है या नहीं है वो हम पता लगा सकते हैं बी के थ्रू से तो बी अगर बोला जाए तो हम लोग हर कोई जो है हेल्थ चेकअप मशीन के ऊपर ध्यान देते हैं या तो बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह बाहर से करते हैं लेकिन बी भी एक अहम मशीन है जिस पे हमारा ध्यान इतने दिनों से नहीं जा रहा था और हकीकत में हम लोगों का भी ध्यान उसमें नहीं जा रहा था तो शर्मा सर ने इसके बारे में हमें मतलब इन्फॉर्म किया और आशीष सर ने भी बताया कि इस मशीन पे हम लोग को काम करना चाहिए तो इससे हम लोग का बिजनेस बढ़ेगा तो दोस्तों बी का जो रेंज है वो 18.5 से 24.9 अगर रेंज में होता है उसका रिपोर्ट दिखाता है तो उसका मतलब क्या है कि वो नॉर्मल रेंज में है मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है और उससे अगर ज़्यादा है तो उसका ओवर वेट है मतलब वेट उसका ज़्यादा है तो ये जो बीएमआई एम आई मशीन है इससे हम लोग क्या क्या पता लगा सकते हैं हम लोग यहाँ से हम लोग एट रिपोर्ट निकाल सकते हैं अहम रिपोर्ट जो बॉडी का हमारा अहम रिपोर्ट होता है पहले तो हम वेट पता कर सकते हैं दूसरा जो है बॉडी में फ़ैट कितना है फैट का परसेंटेज हम लोग पता कर सकते हैं मासूल मास का परसेंटेज कितना है वो पता लगा सकते हैं कैलोरी हम लोग को कितना चाहिए वो हम पता लगा सकते हैं और यहाँ से बॉडी मास इंडेक्स भी हम निकाल सकते हैं और बॉडी में हमारा वाटर कितना है पानी कितना है उसका भी हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं और उसके साथों साथ हम बोन डेंसिटी भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं हमारा जो बोन का जो डेंसिटी है वो सही मात्रा में है कि नहीं या तो कैल्शियम का कमी है या है कि नहीं ये चीजें हम पता लगा सकते हैं और उसके साथ साथ हम बायो एज भी यहाँ से निकाल सकते हैं तो बायो एज का मतलब क्या है ये थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ जैसे कि मान लीजिए मेरा एज अगर फोर्टी है तो हम जैसे ही मतलब मशीन में हम खड़ा होते हैं तो मान लीजिए मेरा बायो एज दिखा रहा है यहाँ पे फिफ्टी मतलब क्या है कि मेरा एज के अनुसार हम मेरा जो बॉडी का पार्ट्स है उसका उम्र जो है वो ज़्यादा दिखा रहा है मतलब वो आगे चल रहा है मतलब हमको हेल्थ के ऊपर केयर करना जरूरी है हमारे जो बॉडी का जो पार्ट्स है या हेल्थ है हेल्थ पे हमको बहुत ध्यान देना जरूरी है तो ये एक अहम रिपोर्ट होता है ये सारे रिपोर्ट्स जो है जो हम एक सिंपल सा एक बी मशीन से हम लोग इसका रिप, रिपोर्ट हम लोग पता लगा सकते हैं तो बी मशीन जो है इसका जो फीचर्स है साइड में दिखाया जा रहा है फोर हाई प्रसी जी सेंसर से ये बना हुआ है हाई uh, प्रसी मतलब ये हार्ड मेटल से बना हुआ है और ग्रेविटी सेंसर यहाँ पे लगाया हुआ है जिससे मतलब हमारा बॉडी का जो फिजिकल मेजरमेंट है वो इसको मेजर करता है ये सेंसर के थ्रू और सिक्स सिक्स एम एम का टेम्पर्ड ग्लास से यह बना हुआ है और ये जो बना हुआ है जैसे पहले बताया कि फोर हाई प्रिशन जी सेंसर से बना हुआ है और टेक्नोलॉजी जो है ये ऑटो ऑन और ऑटो ऑफ सिस्टम है मतलब आप चेकअप नहीं कर रहे सपोज एक आदमी को चेकअप कर लिया चेकअप करने के बाद वो उतर गया तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक वो ऑन भी हो जाता है जैसे ही कोई आदमी आपको ऑन नहीं करना पड़ेगा कोई आदमी का आदमी अगर ऊपर चढ़ जाता है तो वो ऑटोमेटिक ऑन हो, हो जाता है तो इसका जो कैपेसिटी है मतलब एक हम कितने वजन का आदमी तक हम लोग मैक्सिमम तो मैक्सिमम हम लोग इससे हम लोग जांच कर सकते हैं या उस पर खड़ा कर सकते हैं ये 1.6 एमएम mm का टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है मतलब इसमें हम 200 केजी तक हम लोग एक आदमी को यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं इसका जो कैपेसिटी है और बैटरी जो है लो हो जाएगा तो ये भी आपको इंडिकेट करेगा और ओवरलोड होता है तो ये भी आपको इंडिकेट करेगा और यहाँ पे एलसीडी जो लगाया गया है जो जहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले होता है वो सेवेंटी फाइव इंटू नाइनटी नाइन सॉरी ट्वेंटी नाइन एम एम का एलसीडी लगाया हुआ है और कलर चेंजिंग बैकलाइट है वहाँ पे मतलब आप कलर चेंज भी कर सकते हैं कोल ग्रे ग्रे ब्लैक आप कुछ भी कलर ये तीनों में से एक कलर आप चूज कर सकते हैं उसी कलर में आपको वहां पे रिपोर्ट दिखाएगा तो बैटरी का बैकअप भी बहुत अच्छा है लिथियम बैटरी यहाँ पे दिया गया है तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स मतलब एक आदमी का मतलब बॉडी का जो आ, इंडेक्स होता है वो कितना होने से उसका सही है कितना होने से ओवरवेट है या तो ओबेसिटी है अंडरवेट है ये इस टेबल में दिखाया गया है जैसे कि 18.5 होता है तो उससे कम होता है तो वो अंडरवेट है मतलब उसका वेट कम है उसको वेट बढ़ाना जरूरी है और 18.5 से 24.9 रेंज में अगर होता है तो वो नॉर्मल होता है तो ऐसे ही यहाँ पे इस टेबल में दिखाया गया है कि ओवरवेट किस रेंज में माना जाता है ओबिसिटी किस रेंज में ओबिसिटी बोला जाता है या किस रेंज में मोरबिटिटी बोला जाता है मतलब जरूरत से ज्यादा मोटापा मतलब वेट ज्यादा है तो पे ऊपर लिखा हुआ है कि वन बी एम आई इक्वेल टू नाइन पॉइंट समथिंग होता है मतलब नौ के जी ही आप अप्रोक्स पकड़ सकते हैं तो उसके अनुसार ये एटीन पॉइंट फाइव जो दिखाया जा रहा है ये मतलब आपका फिफ्टी फाइव के जी होगा सॉरी 55 फाइव के जी से कम होगा और एटीन पॉइंट फाइव है मतलब फिफ्टी फाइव के जी होगा इसको नॉर्मल वेट माना जाता है तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बुकलेट भी आपको मिलेगा जैसे ही आप मशीन खरीदेंगे तो बुकलेट में ये सारे चीजें जो है डिटेल में आपको मिल जाएगा तो आगे बढ़ते आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मतलब साइड में देखिए येल्लो है ग्रीन है और रेड है ये तीन चीजों को ही हम हमें ज्यादातर ध्यान देना है यहाँ पे मतलब येल्लो का मतलब क्या है कि वो नॉर्मल लेंथ से कम है मतलब उसका जो भी वहां पे हम लोग को रिपोर्ट येल्लो में दिखाएगा इसका मतलब है उसका नॉर्मल लेंथ से भी वो कम है मतलब लो है और ग्रीन दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है वो नॉर्मल है और रेड दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है वो जरूरत से भी उसका ज्यादा है तो ये मशीन में हम लोग कैसे कहा पे रखेंगे ये भी दिखाया जा रहा है और साथों साथ आज लाइव डेमो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा थोड़ी देर में और ये प्रोडक्ट जो है थर्टी सिक्स मंथ का वारंटी भी आपको मिलेगा वारंटी के साथ और साथों साथ ये प्रोडक्ट जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से आपका ये लाइसेंस प्राप्त है मतलब ये आपका ऑथोराइज है एक एक आप बुरा मत बनिए थोड़ा सा सो रहा है इसको मैं ठीक कर लेता हूं तो माय डियर फ्रेंड्स सॉरी आगे बढ़ते तो ये प्रोडक्ट जो है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से ये लाइसेंस प्राप्त है मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव प्रोडक्ट है इसमें हम लोग को यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग कहीं भी हम लोग ओपनली यूज कर सकते हैं घर में बाहर में कहीं भी यूज कर सकते हैं तो अभी आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए यहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं जैसे डायमेंशन क्या है इसका वेट क्या है डिस्प्ले uh, कैसा है उसका मेजरिंग uh, यूनिट क्या है ठीक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी देखिए सेफ्टी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है आप देख सकते हैं कुछ सिंबल्स है जो मशीन में आपको दिखाई देगा जैसे कि यहाँ पे देखिए मशीन अन करने से नीचे कुछ सिंबल्स आ रहा है तो ये सिंबल्स का माने क्या है ये आप सिंबल्स का मतलब क्या है ये सारा चीज़ें जो है आपको मेनुअल बुक में आपको मिलेगा जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है पिक्चर इसका मतलब क्या है कि आपको मेनुअल जो है फॉलो करना जरूरी है और टाइप अप्लाइड फॉर बी एफ यहाँ पे कौन सा टाइप आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बाद सिंबल सीरियल नंबर फिर डायरेक्ट करेंट का सिंबल है ये सारे चीज़ें जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेनुअल बुक में भी मिल जाएगा तो सेफ्टी इंफॉर्मेशन में और कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना जरूरी है जैसे कि थोड़ी देर पहले चेटर्जी सर वीडियो में भी बता रहे थे कि हम प्रेग्नेंट फीमेल को हम यहाँ टेस्ट नहीं कर सकते मतलब उसको हम यहाँ पे रिपोर्ट नहीं निकाल सकते और कोई भी आदमी है उसके अंदर अगर पेस मेकर बिठाया हुआ है या तो कोई स्टेन बिठाया हुआ है कोई भी मेटेलिक चीज उसके बॉडी के अंदर अगर फिट किया गया है तो हम उसको चेकअप नहीं कर सकते क्योंकि ये थ्रो सेंसर से क्या होता है थोड़ा सा करंट भी होता है उसके थ्रू ये हमारे बॉडी का जो फिजिकल कंडीशन है उसको मेजर करता है तो इसीलिए हम लोग ये दो कैटेगरी का जो पीपल है इनको हम लोग चेकअप नहीं करा सकते अभी देखिए चेकअप करने का कुछ नियम से वो हम लोग को फॉलो करना जरूरी है जैसे कि फ्लोर जो है वो स्लीपर ही नहीं होना चाहिए कोई नहा के आया है वह भीगा हुआ है उसका पैर भीगा हुआ है उसको हम यहा पे चेकअप नहीं कर सकते किसी के पॉकेट में मोबाइल फोन है या बगल में माइक्रो ओवन है तो ये सारे चीजें जो है हमको अवॉइड करना जरूरी है मतलब क्या है कि हम जैसे हेल्थ चेकअप करते हैं हेल्थ चेकअप मशीन में, में जो चीजें हम लोग फॉलो करते हैं कि कोई मेटेलिक चीज नहीं होना चाहिए तो हाथ भीगा हुआ नहीं होना चाहिए तो इसी तरह यहाँ पे भी आपको ये चीजें आपको फॉलो करना जरूरी है और हम जिस जगह पे मशीन को रखेंगे सेट करेंगे फ्लोर जो है वो स्लीपर ही नहीं होना चाहिए और दूसरी जो बात है हम इस मशीन को हम आ, कोई भी हीट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी डायरेक्ट मौस, सनलाइट या तो डस्ट पे धूला पड़ा हुआ है या तो सल्ट नमक पानी ये सब जगह पे हम लोग नहीं रख सकते हैं ये चीजें हमको फॉलो करना है मतलब एक नॉर्मल जगह पे हमको मशीन को बिठाना है और हमको उसी जगह पे हमको चेकअप करना है और बच्चों से इस मशीन को दूर रखना जरूरी है क्योंकि बच्चे जो है समझता नहीं है इससे खेलना शुरू होगा तो ये मशीन गिर जाएगा तो टूट भी सकता है तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए और भी कुछ सेफ्टी है जैसे कि हम आ, कोई हार्ड सरफेस में जहाँ ऊंचा नीचा हो वहां पे तो रखते रख नहीं सकते इस मशीन को और इस मशीन को हम जब चेकअप करेंगे मान लीजिए कोई नींद से जगा हुआ है नींद से जग के ही मतलब आके वो चेकअप नहीं कर सकता है या तो खाना खा लिया पेट भर के तो उसके बाद हम चेकअप नहीं कर सकते तो कोई एक्सरसाइज करके आया है मान लीजिए थका हुआ है उस वक्त हम तुरंत उसको हम चेकअप नहीं करा सकते कोई नहा के आया है कोई पिया हुआ है ड्रिंकिंग किया हुआ है तो उसको हम चेकअप नहीं कर सकते तो हम चेकअप करने का यहाँ पे तरीका क्या है जैसे ही आप मशीन को ऑन करेंगे सारे चीजें फिट करेंगे फिट करने के बाद जैसे ही जीरो जी आपको दिखाएगा तभी आदमी को वहाँ पे खड़ा करना है और यहाँ पे जब भी आप चेकअप कर रहे चेकअप कर रहे है मान लीजिए आपका एल ओ दिखा रहा है डिस्प्ले स्क्रीन में इसका मतलब क्या है कि आपका बैटरी लो हो गया है और तुरंत ही आपका क्या होगा ये मशीन ऑफ हो जाएगा और आपको नए बैटरी से फिर से उसको रिप्लेस करना जरूरी है और जब भी आप इसको मान लीजिए यूज नहीं कर रहे तो इसको आप स्टोर करना चाहते हैं मतलब रख देना चाहते हैं करके करके तो आपको आपको को निकाल के ही आपको उसको करके स्टोर करना जरूरी है तो आगे बढ़ते माय डियर फ्रेंड्स आप लोग सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं ना हेलो यस सर जी जी थैंक यू थैंक यू आ, अभी सर्थ? आगे बढ़ते आगे बढ़ते हुए देखिए यूजर में, में भी आप को चीजें मिलेगा जो मैं बता रहा हूं, वो क्या है कि यहाँ पे कौन सा की को हम क्या बोलते हैं <coughs> जैसे कि बीच में आपको दिख रहा है कि ये सेट की है और ये सेट की ही मेन है इसको हम प्रेस करके करके ही सारे चीजें हम क्या कर सकते हैं हम सेट कर सकते हैं जैसे हाइट डाल दिया आपने उसके बाद अप एंड डाउन एरो है उसमें मान लीजिए अभी फोर्टी दिखा रहा है तो उसको फिफ्टी करना है तो अप एंड डाउन एरो से आप उसको क्या कर सकते हैं उसको सेट कर सकते हैं उसके बाद इलेक्ट्रोडेस है जो फोर इलेक्ट्रोडेस में आपको क्या करना है आपको खड़ा होना है और फोर इलेक्ट्रोड में दोनों पैर का जो दोनों साइड है आप और फ्रंट और बैक जो है वो यहाँ पे टच रहना जरूरी है तभी आपको एक्यूरेट रिपोर्ट मिलेगा और बैटरी कंपोनेंट आपको दिखाया जा रहा है बैक साइड में होता है वो बैटरी कंपोनेंट है और एलसीडी डिस्प्ले जो है वो ऊपर ही है यहाँ पे दिखाया जा रहा है और ये कुछ कुछ सिंबल्स है जो आपको समझना बहुत जरूरी है जैसे कि ए जी ई जो लिखा हुआ आएगा वहाँ पे इसका मतलब एज है फीमेल का पिक्चर कैसा होता है सिंबल वो भी दिखाया जा रहा है मेल का सिंबल कैसा होता है फिर पी वन पी टू पी थ्री ऐसे करके जो आपको वहाँ पे स्क्रीन पे आएगा मतलब जैसे आप कोई भी आदमी का रिपोर्ट चेक कर रहे हैं तो पी वन में उसको स्टोर कर दिया जैसे उसका हाइट और वेट में सेट कर दिया और उसको खड़ा कर दिया मतलब वो बंदा जो है जैसे हेल्थ चेकअप में हम क्या करते हैं कि नाम डालते हैं तो यहाँ पे नाम नहीं डालना पड़ता है पी वन सिलेक्ट कर दिया और उसी के अंदर आपको हाइट और वेट जो है सेट कर देना है बस उसको खड़ा कर देना है उसके बाद ऐसे ही आप पी एट तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं एट रिपोर्ट तक आप चेकअप कर सकते हैं उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी आदमी को रिपोर्ट चाहिए लेकिन यहाँ से प्रिंट आउट नहीं निकलेगा आप उसको लिख के दे सकते हैं कोई भी पेपर में या कोई भी प्रेस्क्रिप्स में लिख के दे सकते हैं कि आपका ये रिपोर्ट ऐसा है तो उसके बाद क्या होगा ये रिपोर्ट स्टोर तो रहता है मान लीजिए नवा आदमी आ गया नाइन्थ आदमी आ गया तो, है, तो आपको क्या करना पड़ेगा तो भी इट्स 9:26 तो पीएम सिक्स कृपया म्यूट कर दे बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होगा तो आगे बढ़ते हैं पी वन से लेके पी एट तक आपने रिपोर्ट आठ आदमी का करा चुका है तो अभी नाइन्थ आदमी का आप रिपोर्ट जब कराएंगे तो कोई भी एक रिपोर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा ओवरराइट करना पड़ेगा मान लीजिए पी वन का रिपोर्ट आप लिख के रखिए तो उसी के अंदर आपको ओवर करना पड़ेगा तो क्या होगा पी वन का रिपोर्ट जो है वो इरेज हो जाएगा पहले का जो आदमी था अभी नया जो आदमी है उसका रिपोर्ट वहां पे स्टोर हो जाएगा तो इसी तरह आप कर सकते हैं आठ आदमी का दोबारा दोबारा कर सकते हैं उसके बाद बी का मतलब बॉडी फैट बी मतलब एफ का मतलब आपको फैट याद रखना है बी <coughs> का मतलब आपको वाटर है बी BON मतलब बोन मास ये इजीली हम पता कर सकते हैं मतलब रिपोर्ट में आपको ऐसे ही दिखाएगा बी एफ करके बी एफ का परसेंटेज दिखाएगा बी डब्ल्यू बी डब्ल्यू का परसेंटेज दिखाएगा के एस टी आईवी मतलब, मतलब स्टोन मतलब पाउंड मतलब ये आप के जी में कन्वर्ट कर लेंगे तो आप के जी में ही आएगा सी एम मतलब हम लोग को मालूम है परसेंटेज का सिंपल हम लोग को मालूम है तो ऐसे ही आपका रिपोर्ट यहाँ पे आएगा <clears throat> तो आगे बढ़ते तो इनिशियल स्टेटर स्टार्टअप इनिशियल स्टार्टअप में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे एक चीज बताया गया है कि यहाँ पे फोर जी सेंसर लगाया गया है फोर मतलब आपका हार्ट सेंसर यहाँ पे लगाया गया है जो हमारे बॉडी का जो फिजिकल कंडीशन है उसको वो मेजर करता है लेकिन ये बैटरी लगाया हुआ है मतलब थोड़ा सा करंट भी बॉडी में फ्लो होता है तो जिसको हम लोग बायो इमिडेंस बोलते हैं और ये एक वीक करंट होता है मतलब इतना असरदार करंट नहीं होता है जिसके थ्रू सेंसर क्या करता है हमारा बॉडी का जो फिजिकल मेजरमेंट है जैसे कि बीएमआई हुआ बॉडी का फैट हुआ टोटल बॉडी में वाटर कितना है मसल मास क्या है बोन मास क्या है कैलोरी क्या है वो उसको मेजर कर लेता है तो ये कारंट हम लोग को फील नहीं होता है मतलब इतना नुकसानदायक कारण नहीं है स्मॉल होता है जो हम लोग को फील नहीं होता है तो ये एक छोटी सी बातें है जो हम को हम लोग का जानकारी होना जरूरी है अभी देखिए सेट बटन ही मेन है यहाँ पे सेट बटन से ही आप सारे चीजों को जो है आप सेट कर सकते हैं या तो चेंज कर सकते हैं जैसे कि आपका मान लीजिए पाउंड में है वेट दिखा रहा है तो उसको केजी करना है तो सेट बटन ही प्रेस कर करके कर आप जाएंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा तो देखिए अभी हम लोग जो अहम रिपोर्ट है जो एट रिपोर्ट है वो एट रिपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे कि पहला हुआ आपका बॉडी का फैट अभी देखिए बॉडी का फैट जो है हमारा एक अहम हिस्सा है हमारे बॉडी का जो दूसरे जितने सारे चीजों से हमारा बॉडी बना हुआ है उसमें से हमारा बॉडी का फैट भी एक अहम हिस्सा है अभी देखिए फैट के चलते क्या होता है हम हेल्दी रहते हैं और हमारा बॉडी का फंक्शन जो है वो ठीक ठाक रहता है और बॉडी का जो अंदरूनी जो हिस्सा होता है वो फैट हम uh, क्या करते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है और उसके अलावा जो है हमारे बॉडी में टेम्परेचर फ्लो फ्लो जो होते रहता है जो हीट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता रहता है तो उसका कारण भी फैट है और विटामिन जो हमारे बॉडी में रहता है उसको स्टोर करने में भी फैट मदद करता है और ये एक हमारा अहम फूड का हिस्सा है जो हमें फूड से मिलता है और दूसरी जो बात है हमें अगर फैट ज्यादा हो जाए तो हमें ओवर वेट हो सकता है अगर फैट कम हो जाए तो हम अंदर वेट भी हो सकते हैं तो ये एक बहुत अहम चीज है फैट ज्यादा हो जाने से बहुत सारे बीमारी का बीमार बीमार बीमारों का हमारा जो शरीर है वो घर बन जाता है ये हमें सबको मालूम है और फैट कम होने से भी हमारे मुश्किल है क्योंकि बॉडी का जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम हो सकता है हमारा जो ऑर्गेन है वो प्रोटेक्ट करता है फैट और हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट रखने में वो मदद करता है विटामिन को जो है वो स्टोर करता है तो ये सारे चीज़ों में दिक्कतें आ सकती हैं और धीरे धीरे वो आदमी का शरीर में जो है वो बीमार पैदा हो सकता है तो इसीलिए आज आज के डेट में अगर आप देखेंगे हर कोई आदमी मैक्सिमम तो मैक्सिमम आदमी जो है वो हेल्थ कॉन्शियस है और इस पर बहुत सा, बहुत ध्यान रखता है और दूसरी जो बात है देखा जाए तो हम लोग बाहर घूमते रहते हैं हम लोग को टाइम नहीं मिलता है तो हम लोग ज्यादातर हम लोग का आदत बन गया है कि हम लोग जंक फूड खाते हैं फास्ट फूड खाते हैं लेकिन खाते हुए तो खाते ही है लेकिन उसके बाद हर आदमी सोचता है कि कहीं मुझे नुकसान तो नहीं हुआ या नुकसान तो नहीं होगा फैट तो बढ़ नहीं गया है या तो कोलेस्ट्रोल तो नहीं बढ़ा है तो ये सारे चीजें जो है दर हर किसी में रहते हैं। अगर हम इस मशीन से उसका जांच करके अगर हम बता दे तो आदमी एक बार भी होने से गारंटी है वो फील करेगा कि हाँ ये तो सही बता रहा है मुझे अपने हेल्प पर थोड़ा भी होने से भी ध्यान देना बहुत जरूरी है तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है कि अंडरवेट किस रेंज में होता है ऊपर से दिखाया गया है हाइट है और नीचे से जो दिखाया गया है वो तो यहाँ पे आई में दिखाया गया है तो आई मतलब हंड्रेड आई मतलब फोर्टी फाइव के जी होता है तो ये आप मशीन में आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं के जी में उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप जब ये बुकलेट पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि आई में ही दिखाया जाएगा तो उसको आप फोर्टी फाइव जो है जी में आप कन्वर्ट करके समझ सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए बार बार एक चीजों पे हम लोग बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग का इस मशीन को अगर चलाना है तो हमें इतना सारा चीजें अगर हमें याद नहीं रहता है क्योंकि देखिए हम लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स हर कोई आदमी जो है आप जैसा हम जैसा यहाँ पे नहीं भी हो सकता है कोई ऐसा भी आदमी आ गया है जिसको पढ़ना पढ़ना लिखना नहीं आता है लेकिन अगर हम उसको सिखा दें कि आपको कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ तीन बातें याद रखना है रेड मतलब नॉर्मल रेंज है तो नॉर्मल से ज्यादा है सॉरी और ग्रीन मतलब आपका नॉर्मल है और येलो मतलब नॉर्मल रेंज से भी कम है तो यही जो रिपोर्ट है वहाँ पे दिखना है और वहाँ पे परसेंटेज तो दिखाएगा फोर्टी थर्टी कुछ भी उसका बी का मतलब क्या है बी का मतलब क्या है सिर्फ उसको यही चीजें आप सिखा दीजिए बस उसी से ही वो मशीन चला लेगा एक दिन चलाएगा दो दिन चलाएगा तीन दिन चलाएगा फिर चलाते 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 वो क्या होगा वो एक्सपर्ट हो जाएगा चैंपियन हो जाएगा और देखिए वो बिजनेस भी आपको ला के देगा नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे टेबल यूनिट uh, दिखाया जा रहा है कि फैट का रेशियो कैसा होना चाहिए आदमी का कौन सा एज में एज uh, रेंज में कितना होना चाहिए कितना होने से लो होता है कितना होने से नॉर्मल होता है कितना होने से मोडरेटली हाई होता है और कितना होने से ज्यादा हाई होता है तो ये रेंज यहाँ पे दिया हुआ है ये आपको बुकलेट में भी मिल जाएगा और ओमेन का भी यहाँ पे दिया गया है और आपको सीधी सी बात है कि आपका यहाँ पे रेड दिखा रहा है मतलब ज्यादा है, है, मतलब है और येलो दिखा रहा है मतलब आपका कम है तो अभी हम आगे बढ़ते हुए दूसरे रिपोर्ट में जाते हैं वो है बॉडी वाटर बॉडी वाटर हमारा एक अहम हिस्सा है हम लोग को सब लोग को मालूम है हमारा बॉडी जिस जिस चीजों से हम बना हुआ है उसमें सेवेंटी परसेंट जो है हमारा बॉडी में जो है वो वाटर होता है। तो वाटर एक सिंगल मोस्ट कुम, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारा बॉडी बॉडी का बोड़ी का जो वेट है वेट का एक अहम पार्ट है जो वेट मेंटेन करने के लिए एक वाटर जो है एक सिंगल मोस्ट कुम, कॉम्पो इम्पोर्टेंट है तो इससे क्या होता है कि हम बॉडी का वेट जो है वो हम पता लगा सकते हैं कि वाटर ज्यादा होने से क्या हो सकता है और बॉडी का जो वाटर है वो कितना होना चाहिए uh, होना चाहिए तभी मतलब वो सही है तो यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है यहाँ पे देखिए आपका बॉडी का बॉडी में वाटर अगर सही मात्रा में है कोई भी आदमी का तो मतलब उसका बॉडी का सेल ठीक ठाक रहेगा स्किन ठीक रहेगा उसका ग्लैंड ठीक रहेगा मसल्स ठीक रहेगा ब्रेन ठीक रहेगा और सारे जो पार्ट्स है बॉडी का वो सारे पार्ट्स जो है ठीक ठाक काम करते रहेगा और इसीलिए हमारे बॉडी में जो है इनफ वाटर होना बहुत जरूरी है और टेम्परेचर को भी जो है बॉडी वाटर जो है उसको बैलेंस में रखता है और ये वाटर का जो है अहम पार्ट है तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए यहाँ पे देखिए टेबल में दिखाया जा रहा है कि बॉडी का वाटर का रेंस कैसा होना चाहिए बीएफ मतलब फैट के अनुसार एक आदमी का जैसे कि मेल का मेन का कितना में होना चाहिए और ओमेन का कितना में होना चाहिए फोर के और आपका रेड ग्रीन येलो तो है ही है फिर हम आगे बढ़ते आगे बढ़ते हुए हम मासूल मास के ऊपर चले जाते हैं मासूल मास भी हमारा एक बॉडी का अहम हिस्सा है जो हम नहीं बोल रहे अब तो मानते ही है, फिर भी वर्ल्ड फेमस जो है अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन ने भी बताया है कि हमारा अगर बॉडी मास अगर फिफ्टी परसेंट घट जाए तो हमारा उम्र भी जो है बीस से लेकर नाइन्टी नाइन्टी एज का आदमी का जो है उसका उम्र घटने लगता है फिफ्टी परसेंट उसका उम्र डिक्रीज होने लगता है बॉडी मास अगर सही नहीं रहा तो इसीलिए देखिए बॉडी का जो है मसल्स और जो मसल्स के अनुसार जो है हम लोग देखिए कोई भी आदमी मसल्स बना रहा है तो उसको जो है उस, उसके साथों साथ उसका जो है फैट परसेंटेज भी उसको हर वक्त उसका जानकारी होना जरूरी होता है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक आदमी का देखिए अप्रोक्सीमेटली हंड्रेड एंड टेन एडिशनल कैलोरी फॉर इच किलो ऑफ मासूल गेन मतलब एक बॉडी का बॉडी अगर हमारा बर्न होता है तो 110 कैलोरी जो है वो बर्न होता है एक किलो मासल से. तो इसीलिए मासल मास जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके चलते हमारा बॉडी में स्ट्रेंथ रहता है बोन डेंसिटी ठीक रहता है और हमारा एजिंग में भी इसका असर करता है और हमारा जॉइंट्स जो है वो उसको फ्लेक्सिबल रखता है और बॉडी मसल मस हम, हमें ठीक रखने के लिए हमको हेल्दी डाइट हम लोग को लेना जरूरी है सॉरी आप लोगों को समझ आते हैं अभी देखिए यहाँ पे रेशियो भी दिखाया जा रहा है कि मेन होने से मसल मासल मास कितना परसेंटेज होना चाहिए yes. और ओमेन होने से कितना होना चाहिए बाकी आपका रेड ग्रीन येलो में तो आपको दिखाएगा ही आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हुए हम बोन मास पे चले जाते हैं देखिए बोन मास मतलब क्या है हमारा कैल्शियम है कैल्शियम ही हम मानते हैं जैसे कि हम कैल्शियम और विटामिन डी हम लोग लेते रहते हैं बोन मास को ठीक रखने के लिए डायरी प्रोडक्ट्स हुआ ग्रीन लिवस वेजिटेबल्स हुआ फिश हुआ इसको हम अगर सेवन करते हैं तो हमारा क्या होता है कि बोन मास ठीक रहता है अगर बोन मास का जो रेंज है, है वो आपका यहाँ पे दिखाया जा रहा है फोर पॉइंट फोर टू फाइव परसेंट ओमेन और मेन दोनों का इस रेंज में होना जरूरी है तभी वो बोन मास मतलब नॉर्मल रेंज में है और बाकी आपका रेड ग्रीन येलो में तो आपको रिपोर्ट दिखाएगा ही तो अभी हम लोग सीधे चले जाते हैं बीएमआई के ऊपर थोड़ा सा और जानकारी लेने के लिए वो जानकारी क्या है कि अगर हमें हमारा हम अगर प्रॉपर वेट हम मेंटेन नहीं करेंगे तो मतलब इसका मतलब क्या है कि हम हेल्दी नहीं है तो इससे क्या हो सकता है हमारा हायर हो सकता है हार्ट डिजीज का डायबिटीज का और कैंसर का भी रिक्स हो सकता है अगर हम प्रॉपर वेट हम मेंटेन नहीं करके चलेंगे तो इसका मतलब हम हेल्दी नहीं है और उसके साथ हमें हायर रिक्स हो सकता है हार्ट डिजीज का डायबिटीज का कैंसर का और ढेर सारे ढेरों सारे बीमारियों का हम हमें संभावना हो सकता है और या तो उनके अंदर वो बीमारी हो रहा है तो दोस्तों अभी कैलोरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए ये जो डिवाइस है हाइट और वेट के अनुसार और जेंडर के अनुसार ये कैलोरी को भी बताता है कि आपका बॉडी में मतलब कितना कैलोरी आपका बॉडी में है या तो कितना कैलोरी आपका कंज्यूम हो रहा है या तो आपका कैलोरी कम है या, या ज्यादा है तो ये चीजें भी बताता है तो यहाँ पे रेड ग्रीन येलो से भी आपको दिखाया जाएगा मतलब ज्यादा है या नॉर्मल है या उससे कम है तो स्पेसिफिकेशन में लास्टली यहाँ पे बताना चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट से हम जो भी रिपोर्ट निकालते हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है एक्यूरेट रिपोर्ट देता है या नहीं देता है वहाँ पे आपको मेनुअल में भी लिखा हुआ मिलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरर ने इसको गारंटी दिया है कि ये इसका रिपोर्ट जो है सही है और एकट देता है या निकालता है क्योंकि देखिए ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में आने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूव किया है मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने तो यूं ही तो इसको अप्रूव किया नहीं उन्होंने भी सारे पार्ट्स को जांच किया है और रिपोर्ट्स को जांच किया है कि ये एकूरेट रिपोर्ट देता है कि नहीं मशीन सही है कि नहीं उसी के बाद ही उसने अप्रूवल दिया है तो ये एक अहम मशीन है जिसके आ, चलते हम आ, एक आदमी का अहम एट रिपोर्ट हम लोग हेल्थ रिपोर्ट निकाल सकते हैं उसको बता सकते हैं उसको हम लोग अलर्ट करा सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट के बारे में हम लोग उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका वेट ज़्यादा है तो आप ये, ये प्रोडक्ट लीजिए वेट आपको घटाना है आपका वेट कम है तो आपको ये, ये प्रोडक्ट हमारे पास है आप चाहे तो ले सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छा मशीन है जिसको चलाने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए आ, किसी को भी हम आ, दो चार चीज़ें जो है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको दिखा देंगे एक दो बार चला के अगर दिखा देंगे उसको तो वो इजीली उसको ऑपरेट कर सकता है और इसके लिए लैपटॉप का भी जरूरत नहीं होता है तो माय डियर फ्रेंड्स यही था आपका आज का बी के ऊपर ट्रेनिंग आ, ट्रेनिंग में अगर कोई त्रुटि हो तो आप लोग आ, देख लीजिएगा और इसके लिए मैं सॉरी भी कहना चाहूँगा और बाकी अभी मैं ओवर टू मनोरंजन जी को करना चाहूँगा थैंक यू आप लोग आए प्रोग्राम को अटेंड किए पता नहीं आप लोगों को कितना दे पाया हमने और मैं हर वक्त कोशिश करता हूँ कोई भी टीम हो किसी का भी हो हम लोग आई एम पॉसिबल टीम से है पूरे टीम हम लोग एक साथ हाथ मिला के आगे बढ़ने के लिए हर वक्त कोशिश करते रहते हैं और हर वक्त हम कोशिश करते हैं कि हम लोग सब लोग मिलकर आगे बढ़े और थैंक यू आप लोग आए इस प्रोग्राम को सक्सेस किए बाकी अभी मैं ओवर करना चाहूँगा मनोरंजन जी को थैंक यू मनोरंजन जी थैंक यू थैंक यू सर अपने इतना बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के हम लोग को इतना जबरदस्त ट्रेनिंग दी है इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों को कैसे रहा कैसा लगा इस ट्रेनिंग आप लोग इस चार्ट का थ्रू आप बता सकते हैं कि आप लोग को किस तरह इस ट्रेनिंग आप लोग लिए और किसी को कोई क्वारीज है तो वो भी आप कर सकते हैं आप खुद को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं और इसके बाद हम दिखाएंगे आपको थोड़ा डेमो डेमो का दिखाने से क्या हुआ कि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि इसका थ्रू हम लोग किस तरह इस बिजनेस को कर सकते हैं जैसा हम लोग आज जो एट बजे एट पी में जो मीटिंग था और जो कोई भी उस मीटिंग को अटेंड किया होगा उसको पता है कि एक हिमालयन बेरी हम लोगों को किस तरह सक्सेस का तरफ ले जा सकता है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट कंपनी का एक हिमालयन बेरी हमको डायरेक्टर तीन महीने में बना सकता है अगर हम लोग उस तरह उसी प्लानिंग के साथ हम लोग काम करेंगे तो इसी तरह ये जो बी एम आई मशीन है इस मशीन से थ्रू हम लोग किस तरह बिजनेस कर पाएंगे उसका शानदार जानकारी दी मनकु सही के सर ने तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक जोरदार क्लापिंग के साथ सर को समझा दीजिए कि आप लोग को किस तरह इस प्रोग्राम लगा आप लोगों को और चार्ट का थ्रू भी आप लोग समझा सकते हैं तो देरी नहीं करते हुए हम आपको दिखाते हैं बीएमआई मशीन का वीडियो किस तरह होता है ये बीएमआई मशीन बीएमआई मशीन एक्चुअली तो दोस्तों इस तरह होता है देखिए ये अभी बंद है और इसका पीछे वाला साइड जो है यहाँ पर बैटरी लगा रहता है एक पेंसिल बैटरी लगता है जहां पर यहाँ पर लगाने के बाद इसको ऑफ कर कर दिया जाता है और साथ साथ में इसको जैसे देखते हैं कि ये जो है ये पूरा कांच का है है ना इसको क्या है कि इसका ऊपर एक मेटल का जैसा रहता है और उस मेटल का ऊपर आपको क्या करना है जिसको भी चेकअप करवाना है उसको इसी मेटल का ऊपर खड़ा रखना है और जैसे कि मेटल का ऊपर खड़ा रखेंगे तो कैसे रखेंगे उसका भी थोड़ा डेमो दिखा देते हैं आपको तो जैसे कि देखिए हम अभी क्या पेन है मैक्स पहने हम तो सॉक्स पेन के हम इस मशीन का ऊपर खड़ा नहीं होंगे क्योंकि सॉक्स का अंदर से जो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें से जो तो फ्लो होता है वो नहीं हो पाएगा इस कारण से कोई भी चेकअप जब करेगा तो उसका सॉक्स मतलब पाव खाली होना चाहिए है ना और जैसे कि हम इसका ऊपर पाव रखेंगे तो इस तरह आपका स्क्रीन पे जो है वो इस तरह एक लाइट जलने लगेगा और पहला दिखाएगा आपका वेट कितना है यानी कि आप जब अगर फोर जी मशीन को यूज करते होंगे तो आपको पता है कि हमको एक वेट का भी जरूरत होता है तो ये जे वेट मशीन हमको हम लोग इसको यूज भी कर सकते हैं और साथ साथ में इसका पीछे में तीन बटन होता है एक होता है अपर और एक होता है डाउन और एक होता है सेट करने के लिए मतलब मुझे अगर किसी का चेकअप करना है तो मुझे पहले यहाँ से P1 P2 जो सर बताए थे उस तरह इसको सेट करना है देखिए आपका स्क्रीन पे शायद आ रहा होगा यहाँ पर मैं P1, P2, P2 में सेट करता हूँ तो मेरा वेट कितना देखा 63 तो यहाँ पर क्या है मेरा यहाँ पर पी देखिए पी इलेवन तक जा रहा है उसके ऊपर नहीं जा रहा है तो मैं पी वन में इसको सेट करूंगा है ना तो पी वन में सेट करते ही मेरा एज कितना है मैं मेल या फीमेल यहाँ पर देखिए एक टिप टिप हो रहा है मेल या फीमेल में सेट करना सेट करूंगा तो मेल में सेट कर दिया फिर मांग रहा है वेट मेरा वेट कितना है तो मेरा वेट जो है उसको मैं दे दूंगा जैसे कि मेरा वेट सिक्सटी थ्री है तो मैं इसको सिक्सटी थ्री कर दूंगा देखिए मैं सिक्सटी थ्री कर दिया फिर इसको बीच वाला बॉटम को ये कर दिया फिर मेरा हाइट जो है हाइट में इस हाइट में को किस तरह देना है सेंटीमीटर का थ्रू देना है और जैसे कि इसको सेंटीमीटर का थ्रू देते हैं मेरा वेट जो है हाइट जो है वो सिक्सटी थ्री का होता है फिर सेट हो गया अब देखिए इसका ऊपर मैं जब खड़ा होंगे तो मेरा वेट आ जाएगा और साथ साथ में क्या किया आता है तो देखिये मैं यहाँ पर जब खड़ा खड़ा हो रहा हूँ तो मेरा वेट जो है वो दिखा रहा है और साथ साथ में अभी ये दिखाएगा आपको देखिए वेट हो गया मेरा 65 दिखा रहा है अभी वेट ज्यादा हो गया मेरा। फिर इस तरह आपके पास चार जीरो करके आया फिर देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मेरा मासल मास कितना है मेरा बोन कितना है और मेरा बायोज कितना दिखा रहा है फिर मेरे को दिखा रहा है यहाँ पर मुझे कितना कैलोरीज चाहिए है ना ये सारा चीज दिखा रहा है तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे कि आदमी को पूछ सकते हैं जैसे कि कोई भी रिश्तेदार में अगर हम लोग जाते हैं तो ये इस तरह एक मशीन है जो कि हम लोग बैग का अंदर या कोई भी बैग का थ्रू हम लोग लेके जा सकते हैं जैसे हम लोग लैपटॉप बैग यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं तो उसका थ्रू हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं और जैसे कि कैरी करते हुए कोई भी अगर दोस्त से मिलते हैं जिसका उम्र मान लीजिए चालीस साल कोई पैंतालीस साल उससे मिलते हैं तो उसका जब हम पूछेंगे बातों बातों बातो में कि आपका उम्र कितना है तो वो बोलेगा कि मेरा फोर्टी फाइव है या फोर्टी है तो चलिए मैं ना आपको एक जादू दिखाऊंगा आपका एक्चुअल एज कितना है मैं आपको बताऊंगा ना वो कैसे बताओ तो फिर हम क्या करेंगे इस मशीन को बैग से निकालेंगे और उसका इसका ऊपर खड़ा करेंगे तो खड़ा करके हम लोग उसको इस तरह बोलेंगे आपका एज कितना बोले आप फोर्टी अच्छा अच्छा तो यहाँ पर आपका जो एज दिखा रहा है थोड़ा इस तरह आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप उसको डराएंगे नहीं है ना आप उसको डराएंगे नहीं आप उसको सोल्यूशन देंगे तो उसमें क्या है कि इस तरह सोचते हैं यहाँ पर दिखा रहा है आपका सिक्सटी अच्छा तो मतलब आपका जो अंदर का जो ऑर्गन है ये ऑर्गन का एज सिक्सटी हो चुका है क्यों क्योंकि इसका जो मिनरल्स और विटामिन का शॉर्टेज का वजह से आपका शरीर का जो ऑर्गन है ये सारा ज्यादा एज हो चुका है तो आपको क्या कम उम्र में ज्यादा रहना पसंद करेंगे इसको उसको क्वेश्चन करना है तो फिर वो बोलेगा नहीं तो इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए तो फिर हम उसको सप्लीमेंट जो है हमारा हम जो सप्लीमेंट है उसको जो चाहिए उस सप्लीमेंट के थ्रू हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं और यू ही प्रोडक्ट बेच सकते हैं देखिए एक फोर जी का मशीन जो है ये इसका प्राइस है 25000 जो हर किसी के लिए एफर्ट नहीं कर सकते और 25000 के साथ-साथ आपको लगेगा एक लैपटॉप लेप्टो, लैपटॉप जिस मशीन का थ्रू आप चेकअप करेंगे तो हर किसी के लिए इसको एफर्ट करना कर, एफर्ट करना बस का बात नहीं होता है है ना तो हम लोग जीरो से अगर बिजनेस बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम ये जो आईडी आईडी का टॉप से इस मशीन को आप परचेस कर सकते हैं है ना और जैसे कि इस मशीन को परचेस करके आप शुरुआत दिनों से ही आप इनकम करना चालू कर देते हैं तो यही था मेरा डेमो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बॉक्स का थ्रू रिप्लाई कर सकते हैं ताकि क्या हुआ कि मैं आगे का जो आप लोग के साथ शेयर करूंगा कभी फुर्सत मिलेगा कभी टाइम मिलेगा तो मैं इससे भी आपको बेटर तरीका से आपको समझा पाऊंगा है ना तो दोस्तों यही था आप लोगों को मेरा दिखाना और आप लोगों के साथ यही शेयर करना था तो इसका बीच में हमारा बीच मौजूद थे मिस्टर बैकुंठ शर्मा सर जो जिनका जिनका बदलव इस प्रोग्राम को अरेंज किया गया है जिनका परमिशन से इस प्रोग्राम को अरेंज किया गया है मैं बुलाना चाहूँगा सर प्लीज आइए और आपका दो बात शेयर कीजिए कि हम लोगों का जो प्लान हम लोग प्रेजेंट किए वो कैसा लगा और साथ में डेमो भी कैसा लगा तो हम लोग और भी इसको इम्प्रूव कर पाएंगे Uh, तो आप सभी का रिक्वेस्ट uh, आप सभी का हेल्प से मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर भिकुण शर्मा सर जो किंग ऑफ असम है प्लीज uh, सर uh, अगर आप अवेलेबल uh, हैं तो आप खुद को अनम्यूट करके आइए और हम लोग के साथ थोड़ा आपका जो बात है वो शेयर कीजिए मनोरंजन जी वेलकम सर थैंक यू मैंने एक्चुअली थोड़ा देर जब दो मिनट पहले ही मैं ऑनलाइन आ, आ सका एक्चुअली मैं ड्राइव कर रहा था जस्ट अभी अभी घर पहुंचा है अच्छा लेकिन आपका डेमो का लास्ट जिससे ही देख पाया जैसे तो ऐसे तो हमको पता ही था आप लोगों से बात ही कर रहा था अभी अच्छा लगा मुझे आ, आप तो ऐसे पूरा माहिर है अभी ऐसे भी मनोरंजन जो हमेशा यूज़ करते ही आप बहुत अच्छे तरफ से हमेशा सबको दिखाता है ये प्रोडक्ट आज सबको है हम हमको भी है और भी अच्छा लगा ठीक है <coughs> जैसे आप जो बहुत अच्छी तरह से बताया कि एक लैपटॉप एक एनालाइजर मशीन है तो बहुत बड़े है सोने पे छहा गाय लेकिन अगर नहीं है तो हम जीरो लेवल पे हम काम करना पड़ रहा है अभी हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है कुछ भी इक्विपमेंट्स नहीं है कुछ भी आ, ये नहीं है तो भी हमको क्या करना